गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर बैजनाथ भाई सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोडरमा। मैं इस लॉकडाउन के दौरान अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल कंटेंट लेके आया हूँ, जिससे उनकी पढ़ाई में सुविधा हो सके। तो चलिए, आज मैं पढ़ाता हूँ आपको समाजीकरण, चाइल्डहुड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन, यूनिट 4, जो हमारे प्रथम सेमेस्टर के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके दौरान बच्चों के अंदर, या यूं कहें मानवों के अंदर, समाज में रहने के गुण विकसित होते हैं। समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें जैविक प्राणी में सामाजिक गुण आते हैं और वह प्राणी एक सामाजिक प्राणी के रूप में व्यवहार करने लगता है। इसको हम और ऐसे यूं समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर समाज में रहने का ढंग, व्यवहार, ये गुण उसके अंदर विद्यमान नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो अपने वातावरण में विकसित होता है, बढ़ता है, उनके अंदर समाज में रहने के गुण विकसित होते चले जाते हैं। ये उनके एक सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण को और अधिक विस्तार से समझने के लिए इसके अर्थ और परिभाषा को हम समझ सकते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत समाजीकरण के बारे में रखा है। उसमें सबसे पहले हम लोग विचार करते हैं ग्रीन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। दूसरा, सोरोकिन के अनुसार समाजीकरण सांस्कृतिक तथा वैचारिक कारकों के अंतःकरण की प्रक्रिया है। इसको यूं समझें कि वह प्रक्रिया जिसको अपनाकर कोई बच्चा अपने अंदर सांस्कृतिक विशेषताओं को विकसित करता है, समाज में रहने के ढंग को सीखता है, तौर तरीकों को अपनाता है और परिवेश के अनुसार अपने आप को समायोजित करता है। इस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते